हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम आपको बोलेंगे कि हम लोग बैलेंस शीट का जो आइटम्स पढ़े थे वो आप जरूर से याद कर लें, अगर याद नहीं किए हैं तो, क्योंकि उसका यहाँ हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। लिखता है कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है और हम लोग डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला पढ़े थे, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में फॉर्मूला याद करो, मतलब वहां हम लोग पढ़ते थे बैलेंस शीट में, याद करो तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हम लोग लेते थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो यहां देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डायरेक्टली दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का एक आइटम दिया है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है, दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट्स निकल जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म डेट्स आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है 2 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिया है प्रोविजन फॉर इम्प्लॉई बेनिफिट्स और वो है 60,000। तो जोड़ लिया, आ गया 2,60,000। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड। तो हम लोग को चाहिए शेयर होल्डर्स फंड, और ये भी हम लोग बैलेंस शीट में पढ़े हैं कि शेयर होल्डर्स फंड में होता था शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस दोनों होता है, तो यहां इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स दिया हुआ है तो दोनों जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जोड़ लिए। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सारा रिजर्व्स लेते हैं तो वो रिजर्व्स हुआ, और सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो देखो, यहां रिजर्व्स दिया हुआ है और सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में दिया, यानी लॉस था, अक्यूमुलेटेड लॉस लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए, तो रिजर्व्स है और सरप्लस माइनस में है। तो रिजर्व्स है 1,60,000 और सरप्लस माइनस में 50,000, तो इसको जोड़े तो आ गया 4,60,000। तो अब लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ गया, शेयर होल्डर्स फंड भी आ गया, तो हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला में बैठा के, तो 2,60,000 बाई 4,60,000, तो ये आ गया 0.57:1। अब वैसे ही इस क्वेश्चन को देखो, यहां भी डेट इक्विटी रेशियो निकालना है हम लोग को, फॉर्मूला वही लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेते हैं, तो यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दो चीज दिया हुआ, देखो 8% डिबेंचर्स है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, और 10% लॉन्ग टर्म लोन है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, तो डिबेंचर्स और लोन को जोड़ लिए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया 8,40,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1,12,000 दिया था, तो लॉन्ग टर्म डेट्स आ गया हम लोग का 9,52,000। अब आते हैं शेयर होल्डर्स फंड, फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल यहां डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो शेयर कैपिटल है 6 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहां कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो ये दोनों तो रिजर्व्स हो गया, और पीएल बैलेंस है, ये सरप्लस हो गया। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास ये तीनों है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये आ गया 5,20,000। तो 6 लाख हो गया शेयर कैपिटल, 5,20,000 रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों जोड़ लिए तो शेयर होल्डर्स फंड आ गया 11,20,000। फिर फॉर्मूला में बैठा दिए तो हम लोग का डेट इक्विटी रेशियो आ गया 0.85:1। अब इस क्वेश्चन में देखो, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है 26 नंबर में। यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग को इधर उधर करना पड़ेगा। यहां देखो, आप टेंजिबल फिक्स एसेट्स दिया है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स दिया है, दोनों जोड़ेंगे तो ये फिक्स एसेट्स हो जाएगा, टोटल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। फिर करंट एसेट्स भी दिया हुआ है, तो ये तीनों जोड़ लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा टोटल एसेट्स, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो देखो, डेट्स तो हम लोग को मिल गया, डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, एंड लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन जोड़ेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को फॉर्मूला का गड़बड़ है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला कैपिटल इम्प्लॉयड, आपको हम ये फॉर्मूला दिए थे। तो कैपिटल इम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला दिए, तो पहला फॉर्मूला है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करेंट एसेट्स देखो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये दोनों है नॉन करेंट एसेट्स, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ गया हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स 27,50,000। तो नॉन करेंट एसेट्स हो गया 27,50,000 एंड वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी,
करंट एसेट्स हम लोग को दिया है 3,34,000 एंड करंट लाइबिलिटी है 84,000, तो वर्किंग कैपिटल आ गया 2,50,000। तो यहां वर्किंग कैपिटल बैठा दिए तो कैपिटल इंप्लॉयड आ गया 30,00,000। ठीक है, अब कैपिटल इंप्लॉयड का एक दूसरा फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ये फॉर्मूला भी दिए हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, कैपिटल इंप्लॉयड आ गया 30,00,000, शेयर होल्डर्स फंड पता नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट्स में हम लोग को लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को जोड़ लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 16,00,000 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 1,50,000। तो सॉल्व किए तो शेयर होल्डर्स फंड निकल गया। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स फंड आ गया, लॉन्ग टर्म डेट्स हम लोग के पास है ही तो बैठा लेंगे, तो ये आ गया डेट इक्विटी रेशियो 1.4:1। अब इस 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ देखो टोटल एसेट्स दिया है, टोटल डेट्स दिया है, टोटल डेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज दिया है, तो टोटल लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी घटा देंगे तो हम लोग का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी निकल जाएगा, तो लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएगा टोटल लाइबिलिटी यानी टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो टोटल डेट्स यानी टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटी घटाएं तो लॉन्ग टर्म डेट्स यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज निकल गया। शेयर होल्डर्स फंड का एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल एसेट्स हम लोग के पास है, टोटल लाइबिलिटीज भी हम लोग के पास है, माइनस कर दिए तो ये आ गया 80,000। तो अब हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड, तो ये आ गया 1.5:1। अब इस 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत रबर लिमिटेड, देखो यहाँ पे हम लोग को डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो के लिए हम लोग को चाहिए शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर होल्डर्स फंड के लिए यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल दिया है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिया है, रिजर्व्स दिया एंड सरप्लस दिया है, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ेंगे तो ये हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। तो देखो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये आ गया शेयर होल्डर्स फंड। अब आते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए, तो लॉन्ग टर्म डेट्स आप देखो यहाँ पे हम लोग को 9% डिबेंचर्स दिया हुआ है, तो 9% डिबेंचर सिर्फ दिया और कुछ भी नहीं है, तो यही हो गया लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आगे डेट इक्विटी रेशियो 0.26:1। फिर हम लोग को नेक्स्ट निकालने बोला डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स, तो डेट टू टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स हम लोग के पास ऑलरेडी है 1,20,000 जो डिबेंचर है, टोटल एसेट्स चाहिए, और टोटल एसेट्स होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, और करेंट एसेट्स में हम लोग को इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है एंड कैश एंड बैंक बैलेंस है, ये भी हम बोलेंगे बैलेंस शीट में हम लोग पढ़े थे, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आता था, ट्रेड रिसीवेबल आता था, कैश एंड बैंक बैलेंस आता था, तो ये तीन आइटम दिया हुआ है, ये हम लोग का हो गया करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हो गया नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में तीनों जोड़ लिए तो टोटल एसेट्स आ गया 8,92,000। अब डेट टू टोटल एसेट्स में हम लोग को लेना है लॉन्ग टर्म डेट्स बाई टोटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स है 1,20,000, टोटल एसेट्स है 8,92,000, तो आ गया 0.13:1। सीबीएसई में इसका उल्टा दे देता है, यहाँ क्या है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, सीबीएसई में दे देता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में बस इस फॉर्मूला को रिवर्स कर देना, तो ऊपर टोटल एसेट्स चल जाएगा, नीचे टोटल डेट्स यानी लॉन्ग टर्म डेट्स चला जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है डेट टू टोटल एसेट्स, तो डेट ऊपर टोटल एसेट्स नीचे, और यही टोटल एसेट्स टू डेट हो जाएगा, तो टोटल एसेट्स ऊपर लॉन्ग टर्म डेट्स नीचे। तीसरा इसमें निकालना देखो प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स इंटू 100, ये इंटू 100 ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4,68,000, टोटल एसेट्स भी पिछले पॉइंट में निकाले थे 8,92,000 इंटू 100, तो ये आ गया 52.47%, क्योंकि 100 से इंटू किए इसलिए इसको परसेंटेज में लिखेंगे, अगर 100 से इंटू नहीं करते तो ये आता 0.52:1। ठीक है, लास्ट इसमें निकालना हम लोग को क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, और क्विक एसेट्स क्या होता है, तो क्विक एसेट्स में हम लोग सारा करंट एसेट्स लेते हैं एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। तो यहाँ देखो करंट एसेट्स में तीन था, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, लेकिन क्विक एसेट्स जब हम लोग को लेना तो इन्वेंट्री हम लोग नहीं लेंगे, तो बचा क्या ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ये हो गया दोनों क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स हो गया 328 प्लस 28,000 यानी 3,56,000 एंड करंट लाइबिलिटीज हम लोग के पास है 3,04,000, ये गिवन है, तो ये आ गया 1.17:1। अब इस 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ भी डेट इक्विटी रेशियो निकालना, पहले डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए आप देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है,
तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जोड़े तो लॉन्ग टर्म डेट्स आ गया 9,25,000। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड के लिए हम लोग को चाहिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, तो यहाँ हम लोग का फॉर्मूला लगेगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। टोटल एसेट्स के लिए हम लोग जोड़ेंगे नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स के लिए हम लोग यहाँ देखो नॉन करेंट एसेट्स भी गिवन है एंड करेंट एसेट्स भी गिवन है, तो ये आ गया हम लोग का टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब टोटल डेट्स के लिए चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करेंट लाइबिलिटीज, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म डेट्स हम लोग निकाल चुके हैं 9,25,000, करेंट लाइबिलिटी हम लोग को गिवन है 1,40,000, तो हम लोग का टोटल डेट्स आ गया 10,65,000। ये टोटल डेट्स यहाँ बैठा देंगे तो हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड आ गया 6,75,000। फॉर्मूला हम बैठा देंगे लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड, तो ये आ गया 1.37:1। दूसरा यहां भी निकालना है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। तो डेट टू टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लॉन्ग टर्म डेट्स बाई टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स है 9,25,000 और टोटल एसेट्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 17,40,000, तो ये आ गया 0.53:1। फिर निकालना प्रोप्राइटरी रेशियो, तो फिर वही शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स इन 200। शेयर होल्डर्स फंड भी हम लोग के पास है 6,75,000, टोटल एसेट्स भी हम लोग के पास है 17,40,000, इन 200 अगर करेंगे तो ये परसेंटेज में लिखेंगे 38.79%। फिर एक बार बोल रहे हैं सीबीएसई में ये आपको उल्टा देता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो देता है, तो इस फॉर्मूला को रिवर्स कर देते हैं, ऊपर टोटल एसेट्स नीचे डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म डेट्स, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।